अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शर्मिन खान है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेट्रिक में हमारी ट्रेनिंग चल रही है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेनिंग को एक हफ़्ता कंप्लीट हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ अपना व्यू शेयर करूं कि इस एक हफ़्ते में मेरी क्या लर्निंग हुई, इस ट्रेनिंग से एक हफ़्ते में मैंने अपने अंदर क्या चेंजिंग्स देखी, और अपने क्लासमेट के रिव्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूँ। तो जो मैंने यहाँ सबसे पहले आके सीखा, उसमें मैंने ये सीखा कि टीचिंग एज अ प्रोफेशन कैसे है। सेकंड जो मैंने यहाँ सीखा, हमें अपनी क्लास का इन्वायरमेंट कैसा बनाना है, लर्निंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, आपके स्टूडेंट क्लास में किस तरह जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, हमारी JDs क्या हैं, क्योंकि हम सिर्फ ये समझते थे कि हम क्लास में जाएंगे, पढ़ाएंगे, कॉपीज़ चेक करेंगे, बोर्ड मेंटेन करेंगे, इसके अलावा रजिस्टर बनाएंगे, टाइम टेबल। लेकिन यहाँ आकर हमने 8 JDs को इन डिटेल पढ़ा, अब जाकर हमें कंप्लीट पता चला है कि हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। इसके साथ ही मैंने सीखा कि स्टेडा, पाइट, डकार और डिफरेंट जितने भी इदारे हैं उनके क्या फंक्शंस हैं, वो किस तरह से हमारी ट्रेनिंग करवाते हैं, किस तरह से और कौन कौन से हमारे टेस्ट कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा जो मैंने यहाँ सीखा, करिकुलम किसको कहते हैं, स्कीम ऑफ स्टडीज़ क्या हो और सिलेबस क्या है, और भी इसके अलावा बहुत सारी हमने लर्निंग की है यहाँ पर। लेकिन ये है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे अपने क्लासमेट के भी रिव्यूज़ लेने हैं, तो टाइम की भी शॉर्टेज है थोड़ी सी, क्योंकि ब्रेक के बाद फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम फटाफट से चलते हैं और क्लासमेट के रिव्यूज़ लेते हैं कि इस एक हफ़्ते में उनकी क्या लर्निंग हुई है। अस्सलामुअलैकुम, आपका नाम? ठीक है, आपकी एमटी का नाम? एमटी का नाम सजिशान। ठीक है, अच्छा। मैम सरवत। मैम सरवत, ठीक है। एक हफ्ता कंप्लीट हो गया यहाँ ट्रेनिंग पे आपको, सही। तो इस एक हफ्ते में क्या लर्निंग हुई आपकी? हमने इस एक हफ्ते में बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है, क्योंकि हमने बच्चों से रिलेटेड भी चीज़ें सीखी और खुद अपने लिए भी, हमने टीचर्स के लिए भी बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, ठीक है। इट मीन्स कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रेनिंग अभी तक जो हुई है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू। बहुत कुछ सीखा है, हम मतलब आपस में यही डिस्कस करते हैं अवकत के, तो सर ने हमें फर्स्ट डे कहा कि ये 24 डेज आप लोग को BA कवर कराया जा रहा है एक तरह से, तो वाकई में वो चीज़ है। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, थैंक। चलें आप एक और कैंडिडेट से हम उनके रिव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? ठीक है, एक हफ्ता हो गया आपको कंप्लीट। अच्छा, सबसे पहले आप अपनी एमटी का नाम बताएं मुझे। एमटी जिशान अली न्यू एंड सर मैडम सैयदा सरवती। ठीक ठीक, तो आप अपना रिव्यू दें कि इस एक हफ्ते में आपकी क्या लर्निंग हुई, और दूसरा ये कि आपने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखी। एक हफ्ते में हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि प्रोफेशनली हमें किस तरह से बिहेव करना है। ज़ाहिर है हम लोग इनिशियल स्टेजेस पे थे, बिल्कुल नई हमारी जॉब थी, तो प्रोफेशनली बिहेवियर, बाकी सारी लर्निंग्स जो भी एक प्रोफेशनल टीचर में होनी चाहिए, बच्चों के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कुलीग्स के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, वो सब हमने इस एक हफ्ते में सीखा। ठीक है, यानी कि आप कह सकती हैं कि ये ट्रेनिंग आपकी बेस्ट है। जी बेस्ट। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम समरा उस्मानी है। ठीक है समरा उस्मानी, आपकी एमटी का नाम? बीबी अमीना है और दूसरे सर अंजन। ठीक है, एक हफ्ता हो गया आपकी ट्रेनिंग को। जी, तो आप बताएं इस एक हफ्ते में आपकी क्या लर्निंग हुई है। एक हफ्ता हो गया, सबसे पहले तो बहुत सारी नई नई चीज़ें थी जो हमने सीखी, इसके साथ साथ हमने एक्टिविटीज भी सीखी, प्रैक्टिकल वर्क सीखा, और क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन जो होती हैं, थोड़ी बहुत जो प्रेजेंटेशन में कमी होती है इस तरह प्रेजेंटेशन को अपनी इम्प्रूव करा, और सबसे बड़ी तरह प्रोजेक्ट बनाना सीखे। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकती हैं कि ये जो ट्रेनिंग आपकी हुई है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। यस, इट्स वेरी बेनिफिशियल, और इंसान सीखते सीखते करते करते ही सीखता है, तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग इसका बुनियादी मकसद है। ठीक, लर्निंग करें विद डूइंग, करने के बाद। ठीक ठीक ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।
अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मेरा नाम असद अली। और आपके एमटी का नाम? बीबी आमिना। ठीक है, एक हफ्ता आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग को हो गया, तो सर आपकी क्या लर्निंग हुई है इस एक हफ्ते में, आपको क्या चेंजिंग्स नज़र आ रही हैं, तो वो आप अपने रिव्यू हमारे साथ शेयर करें प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ पे तकरीबन मुझे 7-1 वीक कंप्लीट हो चुका है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके की ट्रेनिंग होगी और स्टडिंग आउटकम से मैंने अपने पढ़ाने के अंदाज को मज़ीद बेहतर करना, और कुछ चीज़ें ऐसी सीखी हैं किस तरीके से लर्निंग एक्टिविटी करवाते हैं और लोगों से इंगेज हों, तो सबकी अलग क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए मुझे नॉलेज आई है और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं अपने आप को मज़ीद अपग्रेडेशन करने की कोशिश करूँगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। सो CPs के भी रिव्यूज़ हो गए जो मैंने आपके साथ शेयर किए, तो अब हो गया है ब्रेक का टाइम ख़त्म और मुझे क्लास लेनी है अपनी। इंशाल्लाह जो चीज़ें हम यहाँ सीख रहे हैं वो डे टू डे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। नाउ अब मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूंगी और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी डेट्रिक का, और डेट्रिक के साथ ही मैं शुक्रिया अदा करूंगी सर जुल्फ़िकार का, मैम अमीना का और सर अमजद का कि इस एक हफ्ते में उन्होंने हमारी बहुत सारी लर्निंग करवाई है और 24 डेज़ की ट्रेनिंग है इंशाल्लाह, और मज़ीद हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।